दोस्तों घर तुम लोग आ चुके हैं, आज संडे या संडे मनाते हैं घर पे। दोस्तों अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे तो आ चुके हैं, ये देखिए। कई बार बोलते हैं कि गाड़ी में क्यों नहीं लाते हैं, उनको भी लाया कीजिए। हाँ तो सब आदमी चलाते हैं इसमें। दोस्तों मेरा तो मेहनत है ही, और आप लोग का बहुत बहुत सपोर्ट है, बहुत सपोर्ट किया आप लोग मेरा यूट्यूब के जरिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और हमारा ब्लॉग अभी से स्टार्ट हो रहा है, और अभी आज ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी पापा ऐसे तो हम लोग अभी रामगढ़ आ चुके हैं, ये देखिए रामगढ़ में अभी हम लोग हैं, तो गाड़ी अभी यहाँ खड़ा करके हम लोग निकलने वाले हैं। पापा सुबह सुबह उठ के चले गए हैं बाल कलर करवाने को और दाढ़ी बनाने के लिए, थोड़ा मतलब यंग दिख के जाना चाहते हैं ऐसा करके। तो अभी सुबह हम तो खुश है, घर जा रहा है, इसलिए पैकिंग वगैरह अपना कल से ही स्टार्ट कर दिया था। अभी सब कुछ तैयार हो गया, हम लोग निकलने वाले अभी, तो अब कुछ नहीं, आप गाड़ी को लॉक करेंगे उसके बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे। और पापा इधर ही बगल में है, वहीं गए हैं सेविंग करवाने को। दोस्तों अभी गाड़ी को लॉक कर दे रहे हैं और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से हमारा घर। गाड़ी अपना लॉक हो गया है। दोस्तों घर तुम लोग आ चुके हैं और नहा धो फ्रेश भी हो गए, तो आज संडे, आज संडे मनाते हैं घर पे, फिर निकलना हम लोग टाटा के लिए। दोस्तों इधर से वापसी आने में तो रुकते नहीं, लेकिन सुबह को लेकर आना भी था घर पे, तो सुबह वो पहुंचा दिए घर पे, तो घर पे आ चुका है। और संडे भी था, ऐसे भी उधर जाकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि संडे को कुछ काम होता नहीं है, छुट्टी रहता है हम सब जगह। दोस्तों अभी तो नहा धो फ्रेश हो चुके हैं, हम जा रहे थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके शाम में जाएंगे घर तक, देखते हैं अपना घर का काम कहाँ तक चालू हुआ, क्या हुआ, सब देखना भी उधर। दोस्तों अभी शाम के 5 बज चुके हैं और अभी हम नए वाले अपने घर पे आ गए हैं देखने के लिए कितना काम हुआ है। तो घर में आने के बाद तो पापा थोड़ा रेस्ट करने लगे थे, तो हम भी फिर लेट ही गए थे, तो उसके बाद अभी थोड़ा हमारा नींद खुला है, तो चाय पी के अभी आए हैं। तो ये देखिए अभी इतना, ये सारा काम तो पुट्टी वाला पहले ही हो गया था, बाकी जो ऊपर में पुट्टी का काम हुआ है, तो अभी हम लोग चलते हैं पूरा सीधे ऊपर फर्स्ट फ्लोर में, देखते हैं कितना काम हुआ है। दोस्तों अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे तो आ चुके हैं, ये देखिए पूरा मतलब इधर भी ऊपर में पूरा 2 कोट पुट्टी हो गया है, पूरा मतलब ऊपर में भी 2 कोट पुट्टी हो गया है, अपना तीसरा कोट बाकी है, तो वो बाद में होगा। तो ये सब, ये तो अपना बाथरूम है और इधर बेडरूम, और वो सामने पूजा रूम, पूजा रूम सामने रखे ताकि आने वाला आदमी कोई भी रहे इधर से पूरा पूजा रूम दिख जाए, अच्छा बाबा जी का दर्शन हो जाए बस। और बताइए आपको कैसा लग रहा है? ये वाला कौन चीज़ बीच में, ये हॉल है। चलिए हमको तो नक्शा समझ में नहीं आता है। तो अभी सौरभ भी आ गया दोस्तों, सौरभ है और बाबू है पीछे, वही आके कभी कभी देख लेते, यही है सौरभ, वो एक कॉलर दबा हुआ है तेरा, यही हम लोग रहते हैं बाहर, तो भाई एक लड़का चाहिए देखने वाला ना, इसलिए सौरभ को कई बार बोलते हैं कि गाड़ी में क्यों नहीं लाते हैं, उनको भी लाया कीजिए। हाँ तो सब आदमी चलाते हैं, तो फिर ये इसको मतलब ज्यादा नॉलेज है, कहाँ से गिट्टी आएगा, बालू आएगा, ये आएगा, ये सब शुरू से यही कर रहा था, इसको नॉलेज है। कम्प्लीट जब हो जाएगा तब फ्री हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ना। हाँ तो वो सब नॉलेज है, लेकिन एडिटिंग का नॉलेज इसको नहीं है, इसलिए हम लोग बोले इसको सीखने के लिए, अभी जैसे काम कम्प्लीट हो जाएगा तो फिर ये भी जा सकता है ना। कैसे खेल कर रहा है? नहीं गए थे, वो नहीं हो रहा था, आज खेला नहीं हो रहा है, बस थोड़ा यही है इसका खेला का लेकर के, तो ध्यान में सुबह में भी घर पर आएगा, थोड़ा कुछ सीखो एडिटिंग वाला, समझे। और यहाँ पर भी दोस्तों देख सकते हैं बालकनी है हमारा, तो ये करीब कितना है, 6 फीट का था ना, 6.5 फीट का दोस्तों ये बालकनी था, तो यहाँ पे अभी बनना बाकी है, ये पूरा बनेगा और यहाँ पे खिड़की भी लगेगा, तो वो सब बाकी है। बाकी यहाँ से भी सामने का लुक काफी अच्छा आएगा, ये देखिए पूरा रोड पे ही अपना घर है, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा लगता है। बाकी रूम का भी सारा हो गया, मतलब पसंद किए कौन सा रूम आपको चाहिए? हमको क्या, कोई सा भी रूम मिल जाएगा, ऐसे ज्यादा तो मेरा गाड़ी में ही दिन गुजरा है, गाड़ी में ही मतलब मेरा, हमको सुबह मतलब ऐसा हो गया, हम गाड़ी ना कि अगर हम घर पे भी सोते हैं तो लगता है कि हम गाड़ी में सोए हैं, जब सुबह उठते हैं तो हम तो देखते हैं, याद करते हैं कि मुझे चलना है कि रुकना है, तो कई बार घर में भी ऐसा होता है, जब नींद खुलता है तो हम याद करते हैं कि हमको चलना है कि रुकना, हम कहाँ रुके हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे घर का आदत हो जाएगा कि घर में रुकने का सोने का आदत हो जाएगा। ऐसे तो हम आज 30 साल हो गया गाड़ी में ही, मतलब आप लोग भी मेरे आस पास अड़ोस पड़ोस के लोग भी जानते हैं कि मेरा आधा जिंदगी जो है बाहर ही गुजरा है, घर हमको नहीं मिला है, मेरा त्यौहार भी बाहर ही गुजरा है और घर से बाहर ही, फैमिली बच्चा से दूर ही रहे हम हमेशा, मतलब बाहर ही, मतलब देखिए कोई भी चीज़ को है ना, कोई चीज़ हासिल करने के लिए आदमी को मेहनत करना पड़ता है, तो आज हमको वो मेहनत का फल हमको दिख रहा है कि हाँ हम क्या खोए तो अब हमको क्या मिल रहा है। तो इसी टाइप का कोई भी चीज़ का आदमी को मेहनत करना चाहिए, कोई चीज़ को त्यागना भी चाहिए, ये नहीं कि कोई आदत है कि नहीं हम यहाँ से कहीं जाएंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, हम कई लोग ये चीज़ बताते भी है कि अगर कहीं रह करके एक जगह रह करके ना आदमी नहीं बन सकता है, थोड़ा अलग जाना पड़ता है, देखना पड़ता है।
इसमें दोस्तों मेहनत मेहनत है ही, और आप लोगों का बहुत बहुत सपोर्ट है, बहुत सपोर्ट किया आप लोग मेरा YouTube के जरिए, एक हमारा YouTube भी है और एक हमारा गाड़ी भी है, दोनों को लेकर के हम मतलब बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज हम YouTube के जरिए देखिए आज हम यहां तक पहुंचे हैं। आप लोगों को बहुत सपोर्ट मिला, हमको बहुत प्यार मिला, तो बहुत अच्छा है दोस्तों आप लोग सपोर्ट किए तब जाके हम लोग अपना घर बना पाए ऐसा करके, ये तो थोड़ा मुश्किल था, तो चलिए आज इतना हो गया कि पापा को घर मिल गया, अच्छा पापा और मम्मी को, अब दादी और फुआ यहां पर आके अच्छे से रह पाएगी। तो अभी तो दोस्तों ये साइड डिसाइड करके रखा होगा, ये बना रहा तो अपना रूम, जितना हमको ये वाला रूम सबसे ज्यादा बड़ा दिखता है, देखिए तो यही सबसे ज्यादा बड़ा दिखता है, तो यही लेने का प्लानिंग है ऐसा करके कुछ। देखिए हम लोग दोस्तों मतलब जितने भी लोग रहे सब लोग एक ही रूम में हमेशा से स्टार्टिंग से रहे, तो यहाँ पर भी वही होगा कि सब लोग एक ही रूम में रहेंगे, बाकी भाड़ा में रहेंगे नहीं। तो सही है दोस्तों, बहुत अच्छा है कि चलिए आज घर बन रहा अपना। दोस्तों अभी हम छत पे आ गए हैं और देख सकते हैं साइड में जो बाउंड्री वगैरह जो आजकल चला हुआ डिजाइन वही बन रहा है, तो आजकल तो पहले तो सीधा सीधा सिंपल सिंपल बाउंड्री हो जाता था, अभी तो एक से एक डिजाइन चला हुआ है, तो मिस्त्री लोग खुद ही बताता है वो लोग करा। देख सकते हैं यहाँ पर कितना खुला जगह है, जो गर्मी के मौसम में यहाँ मतलब बहुत ही अच्छा हवा लगेगा, एकदम खुला जगह अभी तो है, बाद में घर द्वार बन जाएगा तो बात अलग है कि छका जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन अभी तो जहाँ हम लोग हैं यहाँ तो पूरा खुला दिख रहा पूरा। चलिए बहुत जल्द लगता है ये 24 में, हमको लग रहा है कि मार्च अप्रैल तक इसमें इन कर सकते हैं हम लोग, जिस हिसाब से काम हो रहा है उस हिसाब से बता रहे हैं हम, हो सकता है आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन हमको जहाँ तक आइडिया है कि पूरा कम्प्लीट होने में मतलब 2024 का मार्च अप्रैल तक कम्प्लीट होगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारा दूसरा दिन है, तो हम लोग सुबह सुबह गाड़ी लेके निकल चुके हैं, तो अभी हम लोग टाटा वाले रोड में है ये देखिए, और दोनों ही जैकेट ले लिए हैं अब ठंड से बचने के लिए, तो थोड़ा हम लोग लेट निकले क्योंकि टाटा में जहाँ पे हम लोग जाते हैं गाड़ी खाली करने के लिए ये वाला माल, तो वहाँ पे नो एंट्री का माल रहता है, तो नो एंट्री खुलता है 11 बजे 11 से 3, तो इतना जल्दी जाके भी कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो लोग जो खाली करने वाले हैं वो लोग भी 10-11 बजे ही आते थे, तो इसीलिए हम लोग सोचे थोड़ा आराम से ही जाएंगे, और दिन भर वहाँ नो एंट्री में खड़े भी रहना पड़ता है, तो थोड़ा आराम से ही जा रहे हैं, अब ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास टाटा बचा हुआ है, तो और दो घंटे 3 घंटे के आसपास हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, और देखते फिर गाड़ी खाली करवा लेंगे, खाली तो तुरंत हो जाएगा, बस वो लोग साइड थोड़ा दूर में लेके जाता है इसीलिए कभी कभी टाइम लग जाता है, तो चलिए अब कोई नहीं, देखिए अभी हम लोग टाटा वाले रोड में है। दोस्तों इस बार तो ज़्यादा देर घर में नहीं रहे हम लोग, करीब कल हम लोग दोपहर में आ ही गए थे और रात भर रुके और सुबह निकल चुके वहाँ से, तो देख सकते हैं सुबह इस बार गाड़ी में नहीं है, और सुबह को क्या है कि कंटिन्यू 2 महीना रह गया था, तो अभी उम्र का छोटा ही उम्र है, लंबा हो गया देखने में, अभी तो हम लोग के लिए बच्चे ही है वो, तो उसका भी मन करता है दोस्ती यारी में घूमने उमने का ये का, तो गाड़ी में भी रहता था कई बार, देते दोस्त लोग से बातचीत करता था वो फ़ोन में, काफ़ी देर लंबा बातचीत करता था वो, तो उसका भी मन था कि जो रुकने के लिए, क्योंकि उसका दोस्त लोग भी जानबे करते हैं जब जनवरी का महीना आने लगता है कुछ भी प्लानिंग होता है कि पिकनिक करना है ये करना है वो करना है यहाँ जाना है, नया साल में होता है ऐसा, उन लोगों का भी कुछ विचार होगा। अभी दोस्तों रास्ते में देखिए एक और एक्सीडेंट देखने को मिल रहा है, तो वो ट्रक पीछे से ठोक दिया इसको। दोस्तों ये जो ठंडा का टाइम है, ये जो कुहासा जब होता है ना, तो इसमें थोड़ा एक्सीडेंट वगैरह थोड़ा ज्यादा ही बढ़ जाता है, और बहुत आदमी गलती करता है, जो नया नया ड्राइवर पुराना सब ड्राइवर बचा सब ठीक है, तो जो भी है नया नया जो लड़का लोग है, लोगों का कहना यही चाहते हैं कि 4 लाइन समझ के, जैसे पुराना आदमी रोड में चलने वाला वो जान रहा है यहाँ से यहाँ 4 लाइन है, तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर कुहासा में गाड़ी नहीं दिख रहा है जहाँ तक दिख रहा है वहीं तक चलाओ आराम आराम से, कई बार गाड़ी को ब्रेक डाउन खड़ा रहता है, अब ब्रेक डाउन खड़ा रहता है तो दिखता नहीं है स्पीड के कारण, फिर ब्रेक मारोगे तो गाड़ी रुकेगा भी नहीं, तो उसके लिए करके हम कहते हैं कि कुहासा में आराम से चलो, और अगर कोई गाड़ी ब्रेक डाउन हो भी गया है सबसे पहले तो ड्राइवर का काम है कम से कम वहाँ से 50 फीट दूर में आग वगैरह जला दे, क्योंकि लाइट तो मान लीजिए रात भर नहीं जलाता आदमी बैटरी डाउन के चक्कर में, तो हम लोग करते थे पहले वैसा, हम लोग पहले आग जला दिया करते थे कि दूर से लोगों को दिखता था आग, इसका मतलब आगे कोई रास्ता ख़राब है कुछ है, तो हमारे साथ खुद हुआ था एक बार गुमला रोड पे, मेरा भी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया था, सुबह कुहासा हो गया था, तो हम आग तो नहीं जलाए थे, काफ़ी दूर में पत्थर रख दिए थे, तो बस जो सुबह सुबह चलता था गुमला से रांची के लिए वो लोग पत्थर में आगे चढ़ा देता था, तो वो लोग समझ जाते थे आगे जरूर कोई गाड़ी ब्रेक डाउन है, तो पैसेंजर का जान बचाने के लिए थोड़ा सा टायर अगर पत्थर में चढ़ गया तो कोई दिक्कत नहीं है,
तो उस टाइप का हम अपना गाड़ी को बचाए थे और कोई ड्राइवर हमको कुछ बोला भी नहीं कि पत्थर क्यों रख दिया था, जानता था कि स्पीड में आएंगे हो सकता उसके पीछे मार देते हैं। अभी जो आपको एक्सीडेंट देखे पीछे वो ऐसे ही हुआ होगा, गाड़ी खड़ा होगा ब्रेक डाउन, अब वो आया होगा कुहासा में और वो बेचारा वो रोड पे खड़ा होगा, उसको मार के साइड भी कर दिया वो। तो ये सब चीज़ अभी ठंडा में कुहासा टाइम में उसका बहुत बच के चलना है। दोस्तों अभी हम लोग तमाड़ पहुंच चुके हैं और यही होटल पर रुक करके अपना फ्रेश व्रेश हुए, दा ब्रश वगैरह भी कर लिए अपना। अभी क्या कि 11 बजे नोटी खुलता है तो यहाँ सब सीधा निकलते हैं, जहाँ नोटी खुलता है वहीं पर खड़ा रहेंगे, जैसे नोटी खुलेगा फिर अपन निकल जाए अंदर चले जाएंगे हम लोग। तो पार्टी से बात हुआ, पार्टी भी कॉल किया था अभी हमको, तो पार्टी को बता दिए कि भाई हम लोग बाहर में खड़े हैं, अभी नोटी खुलेगा तो अंदर जाएंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आइए। दोस्तों अगर नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को अगला सफर मेरा देखने को मिलेगा तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।